हेलो यर्स, आई एम सांसोरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंग्लिश लवर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फेमस एसे ऑफ फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडीज। व्यूअर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एसे है फ्रांसिस बेकन का। बेकन जो है वो अपनी पर्सनैलिटी में वो साइंटिस्ट भी थे, इंटेलेक्चुअल भी थे, वो एक पार्लियामेंटेरियन भी थे, और इसी तरह से वो उनका जो है एक जो स्टेटस है वो एक एज अ प्रोज राइटर भी है और वो ऐसे राइटर भी हैं। प्रोज में उनका बड़ा एक अच्छा स्टेटस है और बहुत अच्छी उन्होंने जो है वो प्रोज लिखी है। प्रोज को जो है वो ऐसे ही उसकी जो डेफिनेशन करते हैं कि यूज ऑफ इंस्पायरिंग वर्ड्स इन योर राइटिंग एंड इन योर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ गुड प्रोज और गुड डिक्शन। सो इसमें बेकन जो है वो स्टडीज की बात करते हैं, जैसे कि नेल्सन मंडेला ने उसकी एक बहुत खूबसूरत कोटेशन है कि स्टडीज इज अ वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो ये बड़ी एक फेमस कोटेशन है नेल्सन मंडेला की। सिमिलरली जो है फ्रांसिस बेकन जो है वो स्टडीज को बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं और वो ये कहते हैं कि स्टडीज जो है इसमें ऐसे होता है कि ये आपको एक हैप्पीनेस देती है, आपको जो है ये बड़ी एक खुशी देती है, और इसी तरह से ये एक ऑर्नामेंट की तरह है। जैसे ऑर्नामेंट जो है वो एक किसी लेडी के लिए जो है वो ऐसे ही है कि वो उसको शो ऑफ करती है, ऑर्नामेंट को उसको वो हाइड नहीं रखती बल्कि उसको शो ऑफ करती है। और इसी तरह से एक और चीज़ वो ये बताता है कि इसमें आपकी इंटेलिजेंस जो है वो अच्छी होती है, इसमें आप इंटेलिजेंट बन जाते हैं स्टडीज के लिए और इसमें आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाती है। तो हैप्पीनेस वो इस सेंस पे कहता है कि जब आप इसको स्टडी करते हैं तो ये आपको एक खुशी देती है और इससे जो है आप ज़्यादा जो है वो एक लाइफ आपकी बड़ी प्लेजेंट हो जाती है। और दूसरी वो बात ये करते हैं कि ये एक ऑर्नामेंट की तरह है। ऑर्नामेंट वो इस सेंस में कह रहे हैं, ये एक सिम्बॉलिक वो बात कर रहे हैं, वो इस तरह से है कि जैसे आप इसको आप शो ऑफ कर सकते हैं। इसको शो ऑफ करना जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई आपकी कोई आप उसमें एम्बेरस फील करे, बल्कि अगर आपकी स्टडीज अच्छी है और आपकी इसमें एक ग्रिप है और आप एक अच्छा जो है आपने स्टडीज ली है तो आप किसी कन्वर्सेशन में, किसी डिबेट में, तो वहाँ पर जो है इसको आप शो ऑफ कर सकते हैं और इस तरह से ये आपकी जो है वो इंटेलिजेंस भी बढ़ाती है। तो इसमें जो है फ्रांसिस बेकन जो है इस तरह से हमारे जो सोसाइटी में वो तीन तरह के जो है लोग, तीन कैटेगरी वो उनकी भी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक क्राफ्टी पीपल भी होते हैं। क्राफ्टी पीपल मींस के जो कनिंग लोग हैं, कनिंग पीपल जो है वो स्टडीज को इतना अच्छा लाइक नहीं करते बल्कि वो एक नेगेटिव माइंड रखते हैं। वो ये समझते हैं कि स्टडीज जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और उसकी रीजन वो ये बताते हैं कि दे आर नॉट ऑप्टिमिस्ट, दे आर पेसिमिस्ट। और जब वो पेसिमिस्ट हो जाते हैं तो फिर वो स्टडीज को इतना अच्छा नहीं समझते हैं। तो दूसरी जो कैटेगरी है लोगों में, पीपल्स में, वो ये बताते हैं कि दूसरी कैटेगरी उन पीपल्स की है जो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन वो सिंपल तो होते हैं लेकिन उसको वो लाइक भी करते हैं स्टडीज को, लेकिन उसको वो व्यूअर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्टडीज को वो यूज नहीं कर सकते, ना ही वो स्टडीज जो है वो गेन कर सकते हैं, लेकिन वो इसको अच्छा समझते हैं कि स्टडीज जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और नंबर तीन पे वो उन लोगों की बात करते हैं जो वाइज लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग, ये वो लोग हैं जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, नेचर वाइज ये ऑप्टिमिस्ट होते हैं, दे आर नॉट पेसिमिस्ट। ये समझते हैं कि स्टडीज जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हमें गेन करना चाहिए, इससे जो है हमें फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से जो वाइज पीपल्स हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, वो अपनी स्टडीज़ को मुकम्मल करते हैं और इसको वो सोसाइटी में जो है वो उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसी तरह से बेकन जो है वो ये भी हमें कहता है कि आप स्टडीज़ अगर कर लेते हैं, आपकी अच्छी स्टडीज़ है, तो उसको आप जो है एक उसकी प्रैक्टिस भी करें, उसकी आप एक्सरसाइज भी करें और उसमें आप एक्सपीरियंस भी हासिल करें। तो इससे जो है वो बेकन ये कहता है कि इसमें ऐसे होता है कि कुछ लोग जो है वो स्टडीज़ करके जो है वो उसको कहीं पर यूज नहीं करते, तो इस तरह से वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं बनते, वो ज़्यादा उनका कैलिबर अच्छा नहीं होता। वो ये समझता है
कि जब आप स्टडीज कर लेते हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस भी करें, प्रैक्टिकल लाइफ में जो है इसको आप यूज भी करें, किसी डाइस पे, किसी लेक्चर स्टैंड पे इसको आप इस्तेमाल करें। जैसे एक जो है वो स्टडीज बंदा जो है वो कर लेता है लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करता तो उसका इतना उसको फायदा नहीं मिलता, लेकिन जब वो कहीं पर किसी टीचिंग में आ जाता है, कहीं पर अपना लेक्चर डिलीवर करता है और फिर वो स्टडी जो है वो उसको कैरी ऑन रखता है और वो बुक्स पढ़ता है तो इस तरह से उसका कैलिबर जो है वो बढ़ता है और उसकी जो उसमें कैपेबिलिटी है वो उसमें अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से वो ये समझता है कि जब तक हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इसको एक्सपीरियंस में नहीं लाएंगे तो ये आपको इतना अच्छा जो है वो फ़ायदा नहीं देगी। इसी तरह से जो है बेकर वो कुछ सब्जेक्ट पर बात करता है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने से ये होता है कि आप जो है आप उसमें ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, आपकी जो एक मेंटल एबिलिटी है वो अच्छी हो जाती है, आपकी मेमोरी उसमें अच्छी हो जाती है। और इस तरह से जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो इसमें आपकी जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है वो आपकी ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाती है। इसी तरह से जब आप फिलासफी पढ़ते हैं तो फिलासफी पढ़ने से जो है वो आपके अंदर एक डेप्थ आ जाती है और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी कीन हो जाती है। तो इसी तरह से बेकन जो है वो कुछ गेम्स की बात भी करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब आप वॉकिंग करते हैं तो वॉकिंग से ये होता है कि आपका जो स्टमक है उसका जो फंक्शन है वो बड़ा अच्छा हो जाता है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा काम करता है। और इसी तरह से जब आप शूटिंग जो है शूटिंग से ये होता है कि आपकी जो ब्रेन जो क्वालिटी है, दिमागी सलाहियत जो है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। और इसी तरह से वो ये कहता है जो राइटिंग है, राइटिंग से ऐसे होता है कि आपका जो फंक्शन ऑफ लंग्स है वो आपका बहुत अच्छा हो जाता है और वो बहुत जो है ज़्यादा जो है उसमें बेहतर जो है वो आपका उसमें जो है वो काम करता है। और इसी तरह से भी और वो बात करता है कि कुछ लोग जो हैं वो बुक्स पढ़ते हैं वो ऐसे कुछ ज़्यादा उसको अच्छी तरह से पढ़ता है, कोई उसको जो है वो ऐसे उसको देख के जो है उसको रख देता है। तो इस तरह से वो बात करता है कि बुक्स जो है उसमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। वो ये कहता है कि बुक्स जो है सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड एंड सम बुक्स आर टू बी गल्प्ड एंड सम बुक्स आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। तो इसको वो ऐसे एक्सप्लेन करता है कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि जिनका इतना कंटेंट अच्छा नहीं होता, जिनमें जो है इतनी अच्छी जो है उसके अंदर एक जो उसका टेक्स्ट है वो इतना अच्छा नहीं होता, उसका जो टाइटल है वो इतना अच्छा नहीं होता, उसको आप एज टेस्ट जो है उसको थोड़ा सा आप देखते हैं उसको रख देते हैं। और दूसरी जो बुक होती है वो उसको आप गल्प कर लेते हैं और गल्प मीन्स के उसको जो है आप देखते ज़रूर हैं लेकिन उसको आप इतना अच्छे तरीके से जो है वो नहीं पढ़ते। और तीसरी जो बुक है उसकी वो बहुत जो है उसको अप्रिशिएट करता है कि वो तीसरी तरह की जो बुक है जिसको आप डाइजेस्ट कर लेते हैं, इट मीन्स कि वो ऐसी बुक होती है जिसका कॉन्टेक्ट भी अच्छा होता है और जिसका टाइटल भी अच्छा होता है और जिसमें जो है एक राइटर जो है अपनी जो है उसमें एक विजडम जो है उसकी नज़र आ रही होती है, उसमें एक फीडबैक मिल रहा होता है आपको, उसमें कुछ मॉरल लेसन आपको मिल रहे होते हैं, उसमें कुछ लॉजिकल बात हो रही होती है। तो वो उस बुक की बात कर रहे हैं कि ये जो बुक है वो बहुत अच्छी होती है जो आपको बहुत ज़्यादा उसमें एक बेनिफिट देती है और उससे जो है आपको बड़ा उसमें एक जो है वो फ़ायदा मिलता है। इसी तरह से बेकन जो है वो ये कहता है कि रीडिंग जो है, रीडिंग से क्या होता है, जब आप रीडिंग करते हैं, जब आप एक अच्छे बुक रीडर हैं तो उससे ये होता है कि आप एक परफेक्ट जो है इंसान बन जाते हैं, एक कंप्लीट इंसान बन जाते हैं। और इसी तरह से जब आप कन्वर्सेशन करते हैं, जब आप डिबेट करते हैं तो उससे क्या आपको फ़ायदा मिलता है, उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि आपकी जो प्रेजेंट विट है वो आपकी बहुत बेहतर हो जाती है, आपकी जो टाइमिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और इसी तरह से जो जब आप एक चीज़ को लिखते हैं जो आपकी राइटिंग है वो बहुत अच्छी है तो राइटिंग से क्या होता है कि राइटिंग जो है वो आपको एक एग्जैक्ट मैन बनाती है, आपको जो है उसमें एक बड़ा अच्छा जो है इंसान या आपके जो कैलिबर है वो उसमें बहुत जो है वो अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से जो है बेकन ने जो है इसको स्टडीज़ की जो है वो मुख्तलिफ शक्लें जो है वो आप बयान की हैं। तो आई होप व्यूअर्स आपने इसको जो है वो फॉलो किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।